हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू किंग इन किचन। मेरा नाम है संतोष और आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए हमें पहले एक कढ़ाई गर्म कर लेंगे। उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम प्याज कटे हुए। हमें प्याज को डाइस करके काटना है, नहीं इतनी बारीकी से काटना है। तो प्याज डालने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम टमाटर डाइस किए हुए। तो प्याज एवं टमाटर को हमें डाइस करना है, बारीकी से नहीं काटना क्योंकि इसे हमें बाद में पीसना भी है। फिर हम डालेंगे अदरक और लहसुन। अदरक 1 इंच लंबा अदरक डालेंगे और 7 से 8 कलियां लहसुन की। फिर इसमें हम डालेंगे 8 से 10 काजू। फिर हम डालेंगे 8 से 10 बादाम। ये बादाम मैंने पानी में भिगो के रखे थे, फिर मैंने इसकी स्किन निकाल लिए। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून मिलन सीड्स, वाइट मिलन सीड्स। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ मक्खन या मलाई का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इन प्लेस ऑफ दैट मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे मिलन सीड्स और बादाम। सो विच विल गिव अस द रिचनेस ऑफ मलाई एंड मक्खन एंड ऑल्सो इट विल हेल्प अस टू कंट्रोल द कैलरी। फिर हम डालेंगे इसमें 1 स्पून जीरा, 3 काली इलायची, लौंग, चक्रफूल, दालचीनी 1 इंच लंबी और हम डालेंगे इसमें तेजपत्ता। ये सब डाल के इसे हम अच्छी तरह हिला लेंगे। फिर हमें इसमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। तो मैं यहाँ नमक का क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को नमक ज़्यादा पसंद है, कुछ लोगों को कम। तो आपने स्वाद अनुसार इसमें डाल सकते हैं। फिर हम इसे बंद करके अच्छी तरह पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छी तरह पक ना जाए। तो एक बार टमाटर अच्छी तरह पक जाए तो हम इसमें से जितना भी खड़े गरम मसाले डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे। हम कढ़ाई को धो के गरम कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इनसे हल्का सा गर्म कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी, नहीं तो अगर पानी नहीं डालेंगे तो ये मसाला जलने के भी चांस हो सकते हैं। तो एक बार ये मसाला गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें डालेंगे 200 ग्राम पनीर। मैंने यहाँ पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। मैं इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मैं कम से कम 2 से 3 मिनट इसे हिलाना पड़ेगा ताकि ये जो रेड चिली पाउडर और टर्मरिक का जो मसाला है वो उसमें अच्छी तरह पकड़ ले, पनीर में अच्छी तरह पकड़ ले। फिर हम डालेंगे नमक और फिर जो हमने पहले टमाटर और प्याज का पेस्ट जो पीस के रखा था हम उसमें वो डाल देंगे और फिर इसे अच्छी तरह हिलाएंगे। हमें यहाँ पर भी हमें यहाँ कम से कम 2 से 3 मिनट से अच्छी तरह हिलाना है ताकि ग्रेवी में भी और पनीर में भी मसाला और पूरा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हम फिर डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। दोस्तों, अगर आपको लगती है कि ग्रेवी बहुत गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो हमने जो पहले मिक्सी में पीसा था अनियन और टमाटर का पेस्ट, उसमें हम हल्का सा पानी डाल के इसमें हम वो डाल देंगे और फिर से हम इसे अच्छी तरह हिलाएंगे और इसमें एक उबाला लाएंगे। जब इसमें अच्छी तरह उबाला आ जाए तो हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता बारीकी से कटी हुई 1/2 कप। धनिया पत्ता डालने के बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। अच्छा सा क्रश कर लेंगे हाथ से हम इसमें, फिर डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह आ जाए। तो ये लो दोस्तों, हमारा शाही पनीर बिल्कुल तैयार हो गया है जो कि बहुत ही न्यूट्रिशियस है और कैलोरीज भी बहुत कम है क्योंकि हमने इसमें मक्खन या मलाई का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।